चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब लक्ष्मण सिंह की करते हैं। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह का एक बयान आया है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाहिए, जब तक बूथ स्तर पर कमेटी नहीं बनेगी कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। एक बार फिर से उन्होंने अपनी ही पार्टी को लेकर बात कही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को लेकर भी उन्होंने बातें कही, कहा कि जीतू सबकी सुने लेकिन फैसला उन्हें खुद लेना चाहिए। ईवीएम के सवाल उठाने पर भी कहा कि अपनी कमजोरी दूर करके संगठन पर फोकस करना चाहिए। तो लक्ष्मण सिंह हमेशा ज्यादातर अधिकांश समय उन्हीं बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं जो पार्टी को लेकर वो हमेशा देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने क्या कुछ कहा वो खास बातचीत सुनी। हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने लक्ष्मण सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इसमें लोकसभा चुनाव के 29 सीट हारने के बाद कारणों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह हमारे सामने बात करेंगे। सर, हार को लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आपके मन में क्या? देखिए, अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच में एक तो समय बहुत कम था, अब समय हमारे पास 5 वर्ष का है। इस समय में हमको संगठन में एक सोच को बदलना पड़ेगा, बूथ लेवल से लेके और प्रदेश लेवल तक आपको समितियां बनाना पड़ेगी। समितियां बनाइए, सबकी भागीदारी रखिए। बहुत से लोग घर बैठे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़े ही ना हैं, उनको टिकट ही नहीं मिला। बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं को पता नहीं हम बहुत कम शामिल करते हैं संगठन में। तो हर बूथ पे महिलाएं हों, युवा हों, हर वर्ग का व्यक्ति हो, हर समाज का व्यक्ति हो, तो ये समाज का झगड़ा नहीं रहेगा कि भाई ये समाज वो समाज। और समितियों में सब आ जाएंगे, विधानसभा लोकसभा भी आप देखिए ये समितियों के माध्यम से चलता है और पार्टियां भी समितियों से चलती हैं, सबकी राय से चलती हैं, कोई चुने हुए लोगों की राय से नहीं चलेगी। तो इस तरह का परिवर्तन अगर वो करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस आगे मजबूत होकर आएगी। अध्यक्ष को लेकर भी एक ट्वीट किया था कि अपने पैरों पर कब खड़े होंगे, क्या लगता है कहीं ना कहीं खुद निर्णय नहीं ले पा रहे? जीतू को मैं जानता हूँ, जब वो स्टूडेंट था जब से जानता हूँ, और मैं बहुत स्नेह रखता हूँ उसके प्रति। बहुत मेहनती लड़का है, युवा है, और हमें उससे बहुत उम्मीद है। तो मैं चाहता हूँ कि वो स्वयं निर्णय लें जब वो अध्यक्ष हैं। और निर्णय लेने के लिए आपको सबकी सलाह लेनी पड़ती है पार्टी में, प्रजातंत्र में। तो सबकी सलाह लो, समितियां बनाओ, समिति बना के एक एक कार्यकर्ता की राय लो, उनकी सलाह से पार्टी खड़ा करो, पार्टी खड़ी हो। क्योंकि अजय सिंह भी कह रहे थे कि जो इस तरीके से हम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बड़े नेता जो बीजेपी में जा रहे थे और जाते जाते रुक गए, उसके चलते कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नर्वसनेस आई है वो? अरे कुछ कोई नर्वस नहीं है, कई कार्यकर्ता खुश हुए हैं, कई नेताओं के जाने से कई कार्यकर्ता खुश हैं। वो मिलते हैं हमसे, बात करते हैं, अच्छा हो गया साहब, कोई बात नहीं, अपन लग रहेंगे। फिर सवाल उठ रहे हैं, पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी उठा रहे थे, एलन मस्क ने ट्वीट किया, राहुल गांधी भी समर्थन करते हैं, जबकि इस बार हमने देखा कांग्रेस की सीटें बढ़ी, क्या कहें? देखिए, एलन मस्क ने ट्वीट किया है तो एलन मस्क का अपना ओपिनियन है, हम उसके ओपिनियन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारा अपना ओपिनियन हम रखें। और ईवीएम्स को कांग्रेस पार्टी लाई है, जिसको हम लाए हैं टेक्नोलॉजी को, हम उसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं? तो ईवीएम्स की आलोचना करना बेकार है, हमें अपनी संस्थाओं पर विश्वास करना पड़ेगा, हमें इलेक्शन कमीशन पर विश्वास करना पड़ेगा, हमें अपनी शासन अपने शासन पर विश्वास करना पड़ेगा कि जनता का शासन होता है। कोई मोदी जी की सरकार नहीं है, जनता की सरकार है, और हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर विश्वास करना पड़ेगा, हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। लक्ष्मण जी को सुनना हमेशा बड़ा दिलचस्प होता है, ये तय करना मुश्किल होता है कि वो किसकी तरफ से बोल रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से या एक आलोचक की तरह वो बोल रहे हैं। जब भी वो बात करते हैं बड़ी खुलकर करते हैं, और इसीलिए जब वो बोलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि ईवीएम तो कांग्रेस ही लेकर आई थी, दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि जो नेता छोड़ कर गए उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं है, कार्यकर्ता तो खुश हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है, चले गए उस तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीतू पटवारी जी के लिए वो कहते हैं कि खुद फैसले लें, इसका मतलब क्या ये है कि वो अभी तक खुद फैसले नहीं ले रहे हैं जीतू पटवारी? क्या जीतू पटवारी पे कोई बड़ा दबाव है? ये कई बातें हैं जिनके बिटवीन द लाइन अर्थ बड़े दिलचस्प हैं। अपने ही बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी ईवीएम को लेकर उनके सवालों को, राहुल गांधी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए, लेकिन इनकी राय उनसे भी भिन्न है।
बहुत वो कांग्रेस और बीजेपी की कोई एलओसी के बीच में खड़े नजर आते हैं हमेशा, और यही उनके साथ बहुत ही दिलचस्प बात है जया निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरह से दबाव की बात कही जा रही है सर, ये तो स्पष्ट है कि लक्ष्मण सिंह पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता, वो किसी दबाव में आने वाले नेता भी नहीं है।